नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Redmi Note 7 के न्यू अपडेट MIUI 11.0.2.0 के बारे में। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिवाइस Redmi का Note 7 डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर MIUI वर्जन 11.0.2.0 और दोस्तों यहाँ पर QFGINXM इसका कोड है, जिससे कि पता चलता है कि Android 10 का ये अपडेट है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर Android 10 हमें फाइनली इस अपडेट के बाद देखने को मिल चुका है। मगर दोस्तों इस अपडेट में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्या क्या बग देखने को मिलता है और क्या क्या मतलब न्यू फीचर देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों फीचर्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ज़्यादातर आपको बग्स ही देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहला बग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है रिसेंट में नहीं जा रहा है। ठीक है, इसको आप चाहे कितना बार भी ट्राई कर लो ये रिसेंट में नहीं जाएगा। सिस्टम लॉन्चर कीप स्टॉपिंग, मतलब ये सिस्टम लॉन्चर का कुछ प्रॉब्लम ये बता रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फिक्स ही नहीं हो रहा है। मतलब बहुत दोस्तों जब से मैंने अपडेट किया तब से एक बार भी मैं रिसेंट एप्लीकेशन को नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, रिसेंट में जा ही नहीं रहा है एक बार भी। जब से मैंने अपडेट किया तब से ये रिसेंट पर नहीं जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम है। और फ़ोन दोस्तों इतना ज़्यादा लैग कर रहा है ना दोस्तों कि क्या मैं बताऊँ आपको। अब इसमें जाएंगे तो आपको स्टेटस बार में कुछ भी इंटरफेस चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सिस्टम मतलब होम स्क्रीन में भी कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चेंज आपको देखने को मिलेगा एनिमेशंस में, जैसे कि आप कुछ ओपन करेंगे तो इसका एनिमेशन देख सकते हैं, जो कि MIUI 12 में इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर एनिमेशन MIUI 12 जैसा देखने को मिलता है, जो कि आपको Android 10 के अपडेट में देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर बस यही सब। और इसका भी दोस्तों एनिमेशन आपको काफ़ी ज़्यादा लुक न्यू देखने को मिलता है। मतलब फिर भी दोस्तों यहाँ पर क्या है कि लुक न्यू देखने को मिल रहा है, मगर यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी ओपन ही नहीं हो रहा। तो लुक और एनिमेशन का हम लोग क्या करेंगे, अचार डालेंगे। और दोस्तों सेटिंग में अगर आप जाते हो तो सेटिंग में दोस्तों आपको हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि सबसे नीचे में यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका मतलब जो इसका जो ये आइकॉन है उसे चेंज किया गया है। इसके अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो फिल सर्विस फ्रॉम गूगल। यहाँ पर एड्स भी देखने को मिलता है, जिसमें पर्सनलाइजेशन एड्स चाहिए कि वर्क वाला एड चाहिए। मतलब एड मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को और ज़्यादा इसमें भर दिया गया है। और दोस्तों स्पेशल फीचर के अंदर जाओगे तो आपको एक क्विक रिप्लाई, वीडियो टूल बॉक्स, गेम टर्बो और सेकंड स्पेस देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर डिजिटल वेल्बिंग की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिजिटल वेल्बिंग का अपडेट अलग से मिलता है, तो वो आप इस अपडेट से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कुछ भी फीचर दोस्तों अपडेट से कोई मतलब नहीं, उसको आप ऐसे भी अपडेट कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सेम दोस्तों पहले से चेंज ऑप्शन देखने को मिलेगा और कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ साउंड इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये तो इसी का है, मतलब इसे यहाँ पर ऐड कर दिया गया। पहले वो एडिशनल सेटिंग के अंदर हुआ करता था, नहीं पहले तो कहीं और हुआ करता था, यहाँ पर नहीं हुआ करता था, मगर इसे यहाँ पर इसे ला दिया गया है। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में आपको कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा खास दिया गया नहीं है, सिर्फ एंड्रॉइड का लोगो दिया गया है और एनिमेशन दिया गया है और थोड़ा बहुत सेटिंग को इधर से उधर कर दिया गया है। उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ डिस्प्ले में जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू सेटिंग देखने को मिलेगा, जिसका कि नाम है विन डिवाइस इज इन VR। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रिड्यूस फ्लिकर एंड यहाँ पर रिड्यूस ब्लूअर। तो ये वाला रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, ये पता नहीं क्या है, हो सकता है एंटी फ्लिकर मोड जो आने वाला था MIUI 12 में, हो सकता है वो उसका कुछ यहाँ पर फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। और दोस्तों यहाँ पर बाकी सब दोस्तों बिल्कुल सेम सा, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। कलर शेड्यूल भी बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, डिफ़ॉल्ट में सेट कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों डार्क मोड में जाओगे तो डार्क मोड में आपको यहाँ शेड्यूल का ऑप्शन देखने को मिलता है, डार्क मोड 2.0 देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर सिस्टम लॉन्चर के में दोस्तों ऑफिशियली अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एक मिनट, ऐप ड्रॉअर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप होम स्क्रीन में जाएंगे और अभी तक अगर आपको नहीं मिला था तो आपको यहाँ पर ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको होम स्क्रीन में जाना है, होम स्क्रीन में दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे यहाँ पर विथ ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और ऐप होल्ड को देख सकते मैंने डिसेबल कर रखा है,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेग भी करता है। यहाँ पर दोस्तों आइकॉन साइज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कम करके रखा है। और यहाँ पर दोस्तों वही सब सेम फीचर देखने को मिलता है, और कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। मगर दोस्तों बात करूँ इसके अपडेट के, तो दोस्तों इसमें लेग काफ़ी ज़्यादा करता है, कुछ भी मतलब यहाँ पर अच्छे से खुल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर जो है कि खुल नहीं रहा है, मतलब लगभग दोस्तों मेरा 4-5 घंटा हो चुका है अपडेट किया हुआ, मगर दोस्तों एक बार भी मेरा रिसेंट मेन्यू आया नहीं है। ठीक है, तो आपके डिवाइस में ये सब आ रहा है या फिर नहीं आ रहा बताइएगा जरूर कमेंट करके। और दोस्तों यहाँ पर फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, इसमें भी बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेग हो रहा है, उनका पबजी ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ्री फायर को भी थोड़ा सा ऑन किया हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। दोस्तों बिल्कुल भी बहुत सारा लोगों का कमेंट आ रहा है कि बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा लेग हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला तो अभी अपडेट करने बोल रहा है, तो अपडेट इसका मतलब मेरा तो अपडेट बोल रहा है, इसका मतलब अपडेट आया है। तो ये तो अभी मैं चेक आपको नहीं करा सकता, मगर बहुत सारे लोगों का दोस्तों पबजी का शिकायत आ रहा है कि पबजी उनका नहीं चल रहा। ठीक है, तो आपका फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, कुछ हैंग कर रहा है, लेग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, देख सकते कितना ज़्यादा अटक रहा है मेरा फ़ोन, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये सभी प्रॉब्लम्स आपके डिवाइस में देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। और दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले आपको पता चल सके। और दोस्तों जहाँ तक बात रहा इस अपडेट का, तो इस अपडेट को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता आपको। आपने अगर अभी तक इसे अपडेट नहीं किया है तो बिल्कुल भी अपडेट मत कीजिए, नहीं तो आप पूरा का पूरा फंस जाएंगे इस अपडेट को करने के बाद, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।